तो इसके पहले कि आप कुछ भी फैसले पर पहुंचे और मुझे अच्छे या बुरे के तराजू में तोले, मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें एंड उसके बाद डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौबीस मार्च यानी मंगलवार की रात को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी देश को संबोधित करने टीवी पर आते हैं और इस संबोधन में वो अनाउंस करते हैं 21 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की, जिसके बाद किसी को भी घर से बाहर बिना वजह निकलने की इजाजत नहीं है और जो ऐसा करते पाया जा रहा है उन पे पुलिस अच्छे डंडे भी बरसा रही है। इसके बाद एक तरफ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत ज्यादा खुश नजर आए कि उन्हें स्कूल और कॉलेज से कुछ और दिन की राहत मिल गई है। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर समझे या क्या मुझे नहीं पता कि छुट्टी मिलने पर और इतनी बड़ी महामारी का छुट्टी मिलने पर बच्चे खुश हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे बिजनेसमैन और सैलरीड एम्प्लॉयज भी दिखे जो काफी चिंता में नजर आए, लेकिन इन सभी में सबसे हालत खराब उन डेली वेज लेबरर्स की हुई जो कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर छोटे फैक्ट्रीज में काम करते थे। लॉकडाउन क्योंकि एक ऐसा मूव था जिससे कंट्री के इकोनॉमी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला था, इसलिए लॉकडाउन के अगले ही दिन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक 1.7 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट करती है, जिसमें मैक्सिमम चीजें लेबरर क्लास एंड पुअर फैमिलीज के लिए थी जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि इसमें मैक्सिमम स्कीम्स जो थी वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए थी। अगर जैसे कि जनधन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में पैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जाने वाले हैं, उसके बाद अराउंड 8.3 करोड़ फैमिलीज को फ्री गैस सिलेंडर्स मिलने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद पेंशन जो इस बार एडवांस में आने वाली वो भी नेक्स्ट 3 मंथ्स की पेंशन अभी से आ रही है, और इसके बाद जब अगले ही दिन आरबीआई के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट फॉर कॉमन पीपल थी वो लोन्स और ईएमआईस की रीपेमेंट की थी, जिसमें उन्होंने 3 मंथ्स का रिलैक्सेशन दिया है सभी लोन्स और ईएमआईस के रीपेमेंट को। तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन 21 नहीं बल्कि 3 महीने 4 महीने भी चल सकता है? और अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमें समझ में आता है कि चाइना 3 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑस्ट्रेलिया को 6 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा, और कोलंबिया तो ऑलरेडी मई तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे में क्या हम 21 दिन के लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो पाएंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस महामारी को 21 दिन में खत्म करना बहुत ही मुश्किल टास्क है और हम एक 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लिए तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल। तो अगर ये 21 दिन में ठीक नहीं हो पाएगा तो लॉकडाउन को तो बढ़ाना ही होगा। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बार में लंबे लॉकडाउन की घोषणा नहीं की, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर लंबे लॉकडाउन की घोषणा एक बार में कर दी गई तो इंडिया में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। वैसे भी हमें देखने मिला कि जब 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो उसी दिन रात को सभी किराना के दुकानों के सामने बहुत भीड़ लग गई थी। तो सोचिए अगर ये लॉकडाउन एक बार में 45-90 दिन का अनाउंस किया होता तो कितनी भीड़ और कितना पैनिक हो जाता लोगों में। इसलिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया और इसके बाद मे बी 14 या 15 तारीख को फिर से मोदी जी टीवी पे आए और बोले कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, इसके लिए आपको रेडी रहना ही पड़ेगा। तो हम मान सकते हैं कि ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है, यानी मई जून तक भी जा सकता है, और हमें इसमें सरकार का पूरा साथ देना चाहिए क्योंकि ये आखिर हमारे ही फायदे और सुरक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन क्या हम इन दिनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप अपना दिन सिर्फ खाने पीने सोने और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में बिता दे रहे हैं तो शायद आप इन 3 महीनों में कोरोना वायरस से तो बच जाए, लेकिन इन 3 महीनों के बाद जो ब्लड प्रेशर शुगर और अपने आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी आ चुकी होंगी, आप उनसे कैसे बचेंगे? अभी तक बहुत लोग ये कह के निकाल दे रहे थे कि यार सिर्फ 21 दिन ही तो है, चलो थोड़ा आराम कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी थे अरे बाप रे 21 दिन हम घर पे क्या करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए ये 21 दिन 45 या 90 में बदल गए तो आप क्या करेंगे? इतना आराम तो नहीं कर सकते ना आप घर पे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस टाइम को आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्किल को और इन्हेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे वीडियो बनाना और एडिट करना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं और उसको एडिट करूं ताकि मैं अपने इस स्किल को परफेक्ट बना सकूं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें एंड मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने वाले सभी से एक एक बंदे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दिन में कुछ करें या ना करें, लेकिन कम से कम
10 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। और अगर आप एक यंग स्टूडेंट है तो ऊपर कार्ड में दिख रहे वीडियो को चेक करिए, उसमें मेरे फ्रेंड ने बताया है कि कैसे 10 मिनट में आप बहुत अच्छी और फुलफिलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने बॉडी के लिए, तो उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। अब कुछ रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से जो आप घर पे भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो पहला, होम वर्कआउट यानी घर पे एक्सरसाइज। दूसरा, ग्रो अ प्लांट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, क्योंकि ऐसे साल भर तो हम बहाना बना देते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन अभी सभी के पास बहुत टाइम है। आप अगर आपके घर पे स्पेस या लॉन हो तो ज्यादा नहीं, बस एक झाड़ लगाइए और डेली सुबह शाम इसे पानी डालिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये लॉकडाउन खत्म हो गया और ये झाड़ आपकी हाइट इतना बड़ा हो चुका है। तो ये एक बहुत ही प्लेजर गिविंग काम होता है जो करने का आपको अंदर से अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके घर पे स्पेस नहीं हो या फिर कुछ दिक्कतों के कारण आप बाहर प्लांट नहीं कर सकते, तो एक स्मॉल पॉट में आप एक झाड़ लगा दीजिए, या फिर मुझे जहां तक आइडिया है हर घर के आसपास म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा बहुत सारे झाड़ ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, तो आप उनको वाटर करिए, उनको पानी डालिए, क्योंकि झाड़ जब बड़ा होगा तो फायदा आप ही को देने। थर्ड, लर्न कुकिंग यानी खाना बनाना सीखिए। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता है तो अपने मम्मी से बोलिए, दीदी से बोलिए और खाना बनाना सीखिए, और गोल गोल रोटी बनाना सीखिए, क्योंकि ना ये बहुत हार्ड लगता है बट इजी काम यार, हो जाएगा। फोर्थ, क्लीन योर होम यानी घर की सफाई करिए, क्योंकि यार ये एक बहुत अच्छा तरीका है वर्कआउट करने का भी, प्लस क्या पता ऐसी चीजें मिल जाए जो सालों से आपने देखी ना हो, तो वो एक रिकॉल ऑफ मेमोरीज भी बहुत अच्छी होती है, तो क्लीन योर होम। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने हेल्थ यानी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान ना करे लेकिन अगर आपको कोई छोटी सी भी दिक्कत हो गई जिसका कोरोना से दूर दूर तक का भी नाता नहीं है, लेकिन तब भी जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एग्जामिन करने के लिए भी रेडी नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो गौरव भाई का ये वीडियो चेक करिए, इस वीडियो में आपको समझ जाएगा कि आपके एक छोटी सी लापरवाही के कारण आपको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। ठीक है, फिर जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।